हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। तो आज की जो वीडियो है उस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसलेनियस जॉब्स इन कनाडा। मिसलेनियस मतलब मिक्सचर ऑफ जॉब्स। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, पहली जॉब है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखना अगर आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सिक्योरिटी के जॉब में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको या तो इवेंट पे खड़े रहना होगा या तो किसी शॉप के अंदर खड़े रहना होगा या मॉल के अंदर आपकी जॉब होगी। तो पे रेट भी अच्छा मिलता है, $15 पर आवर अच्छा पे रेट मिल जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी के जॉब के बाद सेकंड आती है फोकलिफ्ट की जॉब। उसका लाइसेंस बनवाना पड़ता है जैसे सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है। फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवाने से ये फ़ायदा होगा, आपको फोकलिफ्ट अगर चलानी आती होगी आप वेयर हाउस में काम कर सकते हो। वेयर हाउस में काम करने के लिए आपको फोकलिफ्ट का लाइसेंस चाहिए होता है और आपको ड्राइविंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपका पे रेट भी $15-16 पर आवर होगा, पर उसमें मेहनत कम होगी फोकलिफ्ट में, बिकॉज आपको सारा मशीनरी वर्क ही होगा, आपको मशीनरी चलानी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड आता है स्मार्ट सर्व का लाइसेंस। स्मार्ट सर्व का लाइसेंस ये होता है, एक लाइसेंस होता है जो $35 का आता है गैस। तो उस लाइसेंस से बनवाने का ये फ़ायदा होता है, आपको रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है वेटर की। तो वेटर की जो जॉब मिलती है आपको, उसका पे रेट भी अच्छा होता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री शिफ्ट। जो मैं फैक्ट्री शिफ्ट लगाता हूँ 8 आवर की, आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाती है 20 आवर्स की। तो 20 आवर्स की परमानेंट जॉब अगर मिल जाए तो आप मंथली में $1100-1200 आराम से कमा सकते हो, ठीक है। थर्ड होगी हमारी स्मार्ट सब की, सेकंड होगी फोकलिफ्ट की, फर्स्ट होगी सिक्योरिटी की। ये तीन जॉब होगी, फोर्थ होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी की। पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए आपको चाहिए G2 लाइसेंस, ठीक है। G2 लाइसेंस आप ले सकते हो, G लाइसेंस बनवा सकते हो, आप कार ले सकते हो, फिर आप किसी रेस्टोरेंट के पास जाके कहो मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑप्शन दे दो, ठीक है। फोर्थ ये है पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑप्शन। फिफ्थ है ऊबर ईट्स। ऊबर ईट्स आप साइकिल पे ना ही करो, ये मेरा मानना है, बिकॉज यहाँ किचनर एरिया में जो ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वेलिंगटन स्ट्रीट में, वाटरलू में रहता हूँ, वहाँ पे ऑर्डर्स जाते हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर। पहले 6 किलोमीटर जाओ रेस्टोरेंट में, फिर 6 किलोमीटर आगे जाओ फूड पकड़ाओ, फिर वापस आओ, पूरा आप 6 किलोमीटर रेस्टोरेंट की तरफ, रेस्टोरेंट से आगे 6-12 मतलब 24 किलोमीटर चलाओगे, तब आपको $10-12 मिलेंगे। टिप मिलेगी भी ना मिलेगी तो भी वो भी नहीं पता। तो ऊबर ईट्स अगर आप गाड़ी पे कर रहे हो वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ऊबर ईट्स गाड़ी पे करने का क्यों बेनिफिशियल, ताकि आप डिस्टेंस अच्छे से कवर कर लोगे, उसके लिए आपको जी लाइसेंस चाहिए। अगली जो जॉब है वो है मिसलेनियस जॉब में आती है, वो है ऊबर। एक ऊबर होती है, ऊबर ईट्स होती है फूड डिलीवरी की, एक होती है ऊबर। ऊबर कार में होती है तो उससे भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, बट आपको 20 आवर्स ही काम करना है। यू आर ए स्टूडेंट, आप ज़्यादा काम ना करना, बिकॉज इससे ये नुकसान होगा कि जब आप वर्क परमिट पे अप्लाई करने जाओगे, अभी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, जब आपको वर्क परमिट अप्लाई होगा तो फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। वो आपसे पूछेंगे ये ट्रांजैक्शन इतनी कहाँ से हुई, इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई है, और आपने कितने आवर्स काम किए, उन्हें पता लग जाएगा, तो उन्हें पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको वर्क परमिट कम भी मिल सकता है, जहाँ आपको 3 साल का मिलना है आपको 2 साल का मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको आपसे चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। अगली जॉब होगी ये कार वाली जॉब होगी। फिर आता है ट्रक का लाइसेंस। ट्रक का लाइसेंस बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं, तो अगर आपने ट्रक के लाइसेंस के बारे में जानना है, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, पंजाबी व्लॉगर ने डाला हुआ है ट्रक का लाइसेंस, तो वो आपको बता देंगे ट्रक के लाइसेंस के बारे में। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो वीडियो बनी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मैं शेयर करूँ, ठीक है। इसलिए ट्रक का लाइसेंस कई बनवा लेते हैं और उससे अर्निंग कर लेते हैं। और आखिरी है फैक्ट्री शिफ्ट। फैक्ट्री शिफ्ट बहुत लोग लगाते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ फैक्ट्री शिफ्ट, 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है, तो $112 बनते हैं। तो मैं सिर्फ 2 शिफ्ट लगाता हूँ, वीक के 2 शिफ्ट लगाने से यही होता है मेरे $200 मतलब $800 बनते हैं। और राइड करा के जाता हूँ ब्रैंडफोर्ड, तो $15 मतलब $120 तो ब्रैंडफोर्ड जाने में चले जाते हैं, बाकी 600 समथिंग कमाता हूँ, $680 कमाता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस, यही है मिसलेनियस जॉब में मैंने आपको बताना था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ जॉब होती हैं कनाडा में। रेस्टोरेंट में होगी, फोकलिफ्ट हो गया, ये सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बस लगे रहो और आ जाओ बस कनाडा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।